रोजेस इंटरनेशनल कंपनी के अंदर लगातार लोग मर रहे थे, पहले रिया, फिर ओस्मान, फिर सोनम और अब इहान। कंपनी का फाउंडर के मेहुल को कॉल करके बुला लेता है। मेहुल कंपनी के ऑफिस और हर एम्प्लॉय के डिटेक्टिव तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे एक पैटर्न मिलता है। मेहुल को समझ आ जाता है कि अगला मर्डर किसका हो सकता है। सैम, सरा और बेला, क्या आप बता सकते हैं तीनों में से अगला मर्डर किसका हो सकता है? मेहुल तो समझ गया, लेकिन क्या आप समझ पाए? ध्यान से पैटर्न्स को ऑब्जर्व कीजिए। कंपनी का नाम है रोजेस इंटरनेशनल और कंपनी के लेटर्स की सीक्वेंस में लोग मर रहे हैं। पहले आर रिया, फिर ओ ओस्मान, फिर एस सोनम और ई इहान। अगला एस से होगा। अब एस से दो नाम है, सैम और सराह। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। मेहुल सैम पे और आलिया सराह पे नजर रखना शुरू कर देती है। एक रात करीब 9 बजे सराह के घर पे दो लोग आते हैं और दरवाजा नॉक करते हैं। सराह दरवाजा खोलने से पहले आवाज लगाकर पूछती है तो लोग बताते हैं कि वो बैंक से आए हैं। सराह ने होम लोन लिया था, लेकिन सराह तुरंत समझ जाती है कि वो लोग बैंक से नहीं हो सकते। क्यों लॉजिकल आर्मी? सराह को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। लोन वाले लोग दिन में आते हैं, रात के समय नहीं, वो भी 9 बजे। ये इलीगल है, मतलब वो बैंक के लोग नहीं हो सकते। सराह तुरंत समझ जाती है और आलिया को कॉल करती है। आलिया पीछे से आकर दोनों की बहुत पिटाई करती है। तब वो लोग बताते हैं कि केके सर ने उन्हें कंपनी से निकाल दिया था और बदला लेने के लिए उन्होंने पूरी कंपनी को बर्बाद करने का प्लान किया। आलिया उन्हें पुलिस के हवाले कर देती है। आलिया की फाइटिंग स्किल सच में जबरदस्त है। 8734। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। टिंको की मम्मी लड्डू बनाकर प्लेट को ऊपर वाली अलमारी में छुपा देती है। जब वो शाम को वापस प्लेट देखती है तो उन्हें समझ आ जाता है कि टिंकू ने लड्डू खाए हैं। लेकिन मम्मी को ऐसा डाउट क्यों होता है? प्लेट में जितने लड्डू पहले थे अभी भी उतने लड्डू है, तो मम्मी को ऐसा क्यों लगता है कि टिंकू ने लड्डू खाए हैं? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, ध्यान से अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को टेस्ट कीजिए। सुबह के लड्डू को ध्यान से देखिए, वो थोड़े बड़े थे, लेकिन शाम को जब मम्मी ने लड्डू देखी तो वो छोटे थे। मतलब टिंकू भी बड़ा समझदार था। उसने सारे लड्डू में से थोड़ा थोड़ा खाकर उन्हें वापस गोल कर रख दिया ताकि मम्मा को पता ना चले, लेकिन मम्मी तो सवा शेर निकली। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गगन और सचिन जैवलिन थ्रो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सचिन 60 डिग्री के एंगल का जैवलिन फेंकता है और गगन 45 डिग्री के एंगल का जैवलिन फेंकता है। डिस्टेंस मार्क करने वाला आदमी तुरंत समझ जाता है कि सचिन को जैवलिन का ज्यादा नॉलेज नहीं है। क्यों लॉजिकल आदमी? उसे ऐसा क्यों लगता है? सोचिए सोचिए। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जब हम कोई भी चीज को 45 डिग्री के एंगल से फेंकते हैं तो वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। गगन को ये चीज पता थी, इसलिए उसने 45 डिग्री पे जैवलिन को फेंका, लेकिन सचिन ने 60 डिग्री पे फेंका, मतलब उसे ज्यादा समझ नहीं थी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। शिवम अपने पापा के साथ कार में जा रहा था। शिवम के पास एक स्पीड बताने वाला इक्विपमेंट था। शिवम के अपोजिट साइड से 70 किलोमीटर/घंटे की स्पीड से एक कार निकलती है। शिवम इक्विपमेंट में चेक करता है तो स्पीड 110 किलोमीटर/घंटे बता रहा था। शिवम को कुछ समझ नहीं आता, उसे लगता कि मीटर खराब है, लेकिन पापा कहते हैं मीटर सही है। ऐसे कैसे पॉसिबल है लॉजिकल आर्मी? मीटर ने रीडिंग गलत कैसे बता दी? सोचिए सोचिए। अरे लॉजिकल आर्मी, ये साइंस का जादू है। शिवम की गाड़ी 40 किलोमीटर/घंटे की स्पीड से जा रही थी और वो गाड़ी अपोजिट साइड से आ रही थी, तो रिलेटिव स्पीड 110 किलोमीटर/घंटे हो गई, इसलिए स्पीड गन ने रीडिंग 110 किलोमीटर/घंटे बताई। तो समझा आपको ये? चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिकू ट्रेन में विंडो सीट पर बैठा हुआ था और ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई थी। तभी अचानक एक आदमी विंडो से उसका मोबाइल छीन लेता है। मिकू तुरंत ट्रेन से बाहर आता है तो वहां पर 3 आदमी खड़े हुए थे। मिकू ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि कौन से आदमी ने उसका मोबाइल चुराया है। लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं किसने मिकू का मोबाइल चुराया है? ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। जब चोर ने मोबाइल चुराने के लिए विंडो से हाथ डाला था तो उसके हाथ को ध्यान से देखिए, उसने एक कड़ा पहना हुआ था और अभी इन खड़े लोगों में सिर्फ ये वाले आदमी ने कड़ा पहन रखा है, मतलब वो यही था। मिंकू उसकी चेकिंग करता है तो उसे उसका मोबाइल मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।
स्मगलर्स की कार मेहुल का पीछा कर रही थी। मेहुल के पास गन नहीं थी, लेकिन स्मगलर्स के पास गन थी। मेहुल बाइक चलाते चलाते एक ठेले से एग उठा लेता है। लॉजिकल आर्मी, भला एक अंडे से मेहुल क्या करने वाला है, सोचे सोचे। सामने ध्यान से देखिए, एक टर्न आने वाला है। जैसे ही कार टर्न करती है, मेहुल एग लेता है और उनके सामने वाले कांच पे दे मारता है। अंडा कांच पे टूट जाता है। स्मगलर साफ करने के लिए वाइपर चलाते हैं और यहीं पर उनसे गलती हो जाती है। एग का लिक्विड पूरे ग्लास में फैल जाता है और कार जाके एक पेड़ से टकरा जाती है। मेहुल उन स्मगलर्स को पकड़ लेता है। मेहुल की समझदारी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राहुल और बंटी बहुत ही बदमाश बच्चे थे। जैसे ही पापा ऑफिस निकल जाते थे, दोनों दिन भर घर में क्रिकेट खेलते थे और फिर सफाई कर देते थे, जिससे पापा को शक ना हो। एक दिन ऑफिस जाने से पहले राहुल और बंटी के पापा ने घर पे बने बॉक्स क्रिकेट का एक फोटो ले लिया और ऑफिस चले गए। शाम को जब पापा घर आए तो सब कुछ क्लीन था, लेकिन वो समझ जाते हैं कि राहुल और बंटी ने आज भी क्रिकेट खेला है। सोचिए लॉजिकल आर्मी, पापा को ये कैसे समझ जाता है। ध्यान से देखिए, सुबह के फोटो में स्टंप्स पर येलो गिल्ली राइट साइड में थी और ऑरेंज वाली लेफ्ट साइड में थी, लेकिन अभी एग्जैक्टली उल्टा है। मतलब राहुल और बंटी ने सफाई तो कर दी, लेकिन बेल्स यहाँ की वहाँ हो गई। उनके पापा भी उनसे ज्यादा स्मार्ट है। पापा के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राकेश अपनी पॉकेट दिखता है तो उसमें 100 रुपए गायब थे। राकेश अपने तीनों बच्चों से पूछताछ करता है। पहला बच्चा कहता है, पापा मैं तो सुबह से पीछे वाले खेत में फुटबॉल खेल रहा था, आपने बुलाया तो मैं आया हूँ। दूसरा बच्चा कहता है, पापा मैं भी भैया के साथ फुटबॉल खेल रहा था, वहीं ग्राउंड पे ही था, अभी आया हूँ। तीसरा बच्चा कहता है, पापा मैं तो छत पे बैठ के स्टडी कर रहा था, मैंने चोरी नहीं की है। तीनों की बातें सुनने के बाद राकेश समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी। पहला बच्चा सचमुच फुटबॉल खेल रहा था। उसके शूज देखिए, पूरे मिट्टी में खराब हो चुके हैं और सॉक्स और पैंट्स भी खराब है। लेकिन दूसरे वाले बच्चे को देखिए, वो एकदम साफ है। अगर पहले वाला इतना गंदा हो सकता है तो दूसरा इतना साफ कैसे हो सकता है। मतलब ये झूठ बोल रहा है, किसी ने चोरी की होगी। पापा उसे जोरों से डांटते हैं तो वो सच बोल देता है। लॉजिकल आर्मी, कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए, ये एकदम गलत बात है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कालू की क्लास के सारे बच्चे कालू को कमजोर समझते हैं। एक दिन कालू एक वीडियो बनाकर लाता है, जिसमें कालू स्विमिंग पूल के अंदर पड़े 100-100 किलो के स्टोन्स को रस्सी से ऊपर खींच रहा है। ये वीडियो देखकर सारे बच्चे कालू को बहुत पावरफुल समझने लगते हैं। लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं कालू ने ये कैसे किया? इतने बड़े बड़े और इतने हैवी स्टोन्स कालू ने इतनी आसानी से कैसे खींच लिए? सोचिए सोचिए। पानी के अंदर स्टोन्स पे बाय एंड फोर्स एक्ट करता है, जो स्टोन के वेट को काउंटर बैलेंस कर लेता है, जिसकी वजह से स्टोन लाइट हो जाता है तो उठाने में बड़ा आसान हो जाता है। मतलब कालू ने बच्चों को उल्लू बना दिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रामगढ़ की घाटी पर पुलिस और डाकुओं का आमना सामना हो जाता है। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है। सारे डाकू अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं। इंस्पेक्टर गणपत डाकू मंगल का पीछा करता है। पीछा करते करते वो नदी के किनारे तक पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर गणपत चारों तरफ देखता है तो उसे समझ नहीं आता कि डाकू मंगल कहाँ छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस पूरे सीन को ध्यान से देख के बता सकते हैं डाकू मंगल कहाँ छुपा हुआ का? अगर आपको मिल जाता है तो मुझे लाइक करके बताइए। ध्यान से देखिए, पानी में बबल्स आ रहे हैं। मतलब डाकू यहीं छुप के बैठा है। गणपत वहीं खड़े होके उसके बाहर आने का वेट करता है। डाकू की सांस फूलने लगती है और वो थोड़ी देर में बाहर आ जाता है। गणपत उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों औरतों को ध्यान से देखो और मुझे बताओ इनमें कौन मूर्ख है, ए या बी? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।